यूट्यूब आप देख रहे हैं क्लासेस है स्टोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर और सब्सक्राइबर को इस चैनल को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे स्टारसेट SRT 140 प्रो को। तो जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि जो स्टारसेट SR2000 ST एक्सट्रीम है, ठीक है, या 2200 है, वो मार्केट्स में आप कह लें कि बहुत शॉर्ट है और वैसे भी वो तकरीबन 2-3 साल हो गए डिसकंटिन्यूड है प्रोडक्शन में। तो 2000 जो ST एक्सट्रीम था, उसी के जो चिपसेट में जो रिसीवर आए थे, चाहे वो मिनी बॉडी में थे, तो वो था T14 एक्सट्रीम या T15 एक्सट्रीम, ठीक है। एनी हाउ, अब उसकी उन तीनों मॉडल्स की, चारों की प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो सेम जो चिपसेट ट्यूनर यूज़ हुआ था स्टारसेट SR200 ST एक्सट्रीम में, वही सेम चिपसेट यूज़ हुआ है इसी SRT 140 प्रो में। इसकी फ्लैश ऐसी जो है वो 16 MB की है, ठीक है, और इसमें लैन इथरनेट पोर्ट की भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ऑनलाइन डाटा बेस, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जो अपडेट है उसकी भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसका रिमोट जो है वो 2000 SG स्ट्रीम या 200 SG 4K जैसे ही है, और इसमें जो है वो एक्सटर्नल IR सेंसर आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। और उसका बोर्ड भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और 2.4G वाला रिमोट इसके ऊपर काम नहीं करता, जो कि इंफ्रारेड सेंसर के बगैर होता है, ठीक है। एनीहाउ, इसका ट्यूनर भी सेम टू सेम, और इसकी चैनल मेमोरी पिक्चर क्वालिटी सेम 2000 SD हाइपर जैसी है। तो मतलब अगर आप 2000 SD हाइपर आपको सॉरी 2000 SD एक्सट्रीम जैसी है, तो अगर आप 2000 SD एक्सट्रीम आपको नहीं मिलता, तो आप उसकी जगह ये रिसीवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम इसके फीचर 2000 SD एक्सट्रीम जैसे हैं, और ये मिनी रिसीवर में वाहिद रिसीवर है कि जिसका ट्यूनर बहुत ही कमाल का है, ठीक है। एनीहाउ, हम इसको अनबॉक्स करते हैं। सिर्फ जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि मेरी नाचीज रहेंगी, या तो इसमें 2.4G का रिमोट भी इस पर चल जाता, और दूसरा इसमें जो है वो वाईफाई डिवाइस जो है वो कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो एक्सटर्नल यूज़ करना पड़ेगा। एनीहाउ, ये इसका यूज़र मैनुअल है, ठीक है, और बेसिक फीचर के आप ये मैनुअल पढ़ सकते हैं। लेकिन डेडिकेटली ये जो प्रोडक्ट है, ये कंपनी ने डिज़ाइन की ही इथरनेट लैन के लिए, ठीक है। तो ये चलें रिसीवर से साइड पर रखते हैं, बाद में इस पर रिव्यू करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें साथ मिलती हैं। सबसे पहले गाइस, हमें एक पावर अडाप्टर मिल जाता है, जो कि मिनी रिसीवर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ है, ठीक है, और काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा ये हमें रिमोट मिल जाता है 2200 या 2000 या 99 या 90,000 में भी सेम इसी टाइप का रिमोट आता है, ठीक है। उसके अलावा ये एक मिनी HDMI केबल मिल जाती है। उसके अलावा ये इसका एक्सटर्नल IR सेंसर मिल जाता है, ठीक है, और ये वॉल ब्रैकेट मिल जाती है रिसीवर को माउंट करने के लिए, और ये 2 अदद टेप्स मिल जाती हैं एक वॉल ब्रैकेट के लिए और एक इसको IR सेंसर को माउंट करने के लिए, ठीक है, और ये 2 अदद ट्रिपल साइज बैटरी सेल मिल जाती है, और ये इसकी स्लिका जो है, ठीक है, और उसके अलावा जो बॉक्स है वो एम्प्टी। चलें हम रिसीवर को गाइस, ये कुछ रिसीवर का टॉप है, नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू मिनी रिसीवर, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और वेंटिलेशन की स्लॉट दी गई है। लेफ्ट साइड की अगर आप बात करें तो कॉक्सल केबल लगाने के लिए पोर्ट दिया हुआ है, ये पोर्ट इथरनेट के लिए अपना TCL है, ये इसका USB पोर्ट है, और ये इसमें एक्सटर्नल IR सेंसर लगाने की जगह दी गई पोर्ट है। अगर आप इसके राइट साइड की बात करें तो ये ट्यूनर पोर्ट दिया हुआ है, और RS232 के लिए जैक दिया हुआ है, ये USB पोर्ट है, मतलब कुल मिला के इसमें 2 USB पोर्ट हैं, एक HDMI पोर्ट, ये 3.5 mm का DVD पोर्ट दिया हुआ है, और ये इसका पावर अडाप्टर लगाने की जैक, और यहाँ पे HDMI की लेबलिंग हुई भी है, ठीक है, और आई थिंक इसमें CA स्लॉट दी है, लेकिन ये CA एम्बेडेड आई थिंक नहीं है, ठीक है। तो एनी हाउ, एज़ कम्पेयर टू मिनी रिसीवर, ये काफ़ी बड़ा क्वालिटी में रिसीवर है, और इसकी ट्यूनर पिक्चर क्वालिटी सेम, बट सॉफ्टवेयर सब कुछ इसका फ्लैश IC भी 16 MB है, और ईच एंड एवरी थिंग इज़ सिमिलर टू 2000 SD एक्सट्रीम। तो चलें, ये इस बॉक्स के साथ चीज़ें थी, और ये इसके कुछ बेसिक फीचर थे। तो अब हम रिसीवर को पावर ऑन कर लेते हैं, और देखते हैं कि इसका में क्या क्या फीचर और इसका थीम और चीज़ें किस तरह की।
जी तो गाइस डिवाइस जो है वो बूट अप हो चुकी है, फर्स्ट स्टार्टअप में नहीं हो। जब डिवाइस कोई भी एसटीबी है, जब आप उसमें न्यू सॉफ्टवेयर करके उसको फैक्ट्री डिफॉल्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम बूट अप होगा तो ये स्टार्टअप मेन्यू आपके सामने अपेयर होगा। तो अभी जो डाटा बेस है वो एम्प्टी है क्योंकि ये न्यू एसटीबी है, कोई भी इसमें चैनल स्टोर नहीं है, फैक्ट्री डिफॉल्टेड है ऑलरेडी। तो फर्स्ट आइकन जो है मेन्यू में प्रेस करने के बाद इंस्टॉलेशन का आता है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन में नंबर ऑफ़ अवेलेबल सेटेलाइट हैं, जो प्री स्टोर सेटेलाइट हैं 43 हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप जो है एक सेटेलाइट ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि जो उसका सेटेलाइट एंगल है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। अगर एंगल करेक्ट नहीं होगा तो फिर थोड़ा इशू हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउ एंगल आपको करेक्ट हो, और उसके अलावा जो एल एन फ्रिक्वेंसी है सी बैंड के लिए 5150 होती है, और के यू बैंड के लिए अमूमन आप यूनिवर्सली सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो उसकी 5150 होगी, ठीक है। अगर आप सेट का बटन दबाएंगे तो ये चला जाएगा रिनेम में, ठीक है। और उसके अलावा आप या तो ग्रीन बटन दबाएं या उसके ऊपर रख के, तो ये जो स्पेल्स हैं ये डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ब्लू बटन आप प्रेस करें तो ये कैप्स लॉक में आ जाएगा सब अपर केस लेटर में, तो हम इसका नाम रख लेते हैं। ठीक है, और हम रेड बटन प्रेस करेंगे तो ये रिनेम हो जाएगी, ठीक है। और जो नॉर्मली जो ट्यून किया जाता है, अगर आप डाइस क्यूसी स्प्लिटर ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो करेक्ट पोर्ट है आपके सेटेलाइट का वो आप लाजमी सेलेक्ट करें, ठीक है। और येलो बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ब्लाइंड सर्च है ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है सेटअप की मोटराइज डिश एंटीना के लिए होती है, ठीक है। सेकंड आइकन जो है वो एडिट चैनल का है, लिहाजा अभी तो उसमें कोई भी चैनल स्टोर नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन क्यों ज़रूरी है, ये जब भी आप न्यू अपडेट आती है, जब आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो लाजमी लाजमी आप इसको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट किया करें, ठीक है। थर्ड आइकन जो है वो आप कह लें कि सिस्टम सेटिंग है, और सिस्टम सेटिंग में मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। OST है, इसमें आप रेजोल्यूशन वगैरह जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो उसमें रेजोल्यूशन है वो 1080p ही है, ठीक है। और थर्ड टाइमर एडजस्ट है, ठीक है। आपने अगर टाइमर सेटअप लगाना है तो यहाँ पे पाकिस्तान में GMT+5 आता है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंटर कंट्रोल है तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 4x0 है, ठीक है, और ये प्रिंटर कंट्रोल आपका ऑफ है, ठीक है। और अगर आप ये पासवर्ड जो है भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो इसका एक मास्टर पासवर्ड होता है, वो आप अगर लगाएं तो ये ओपन हो जाता है। अबाउट एसटीएम में जाएं तो ये इसकी बेसिक इन्फो है, ठीक है। फोर्थ आइकन जो है वो इसमें ये अवेलेबल ऐप्स हैं, ठीक है। सेकंड लॉ जो है नेटवर्क है, अगर आप इसमें लैन केबल लगाते हैं इंटरनेट पोर्ट में तो तब डायरेक्टली आप आईपी सेटिंग में जाएंगे तो ये बता देगा आपको कि अभी आपका नेटवर्क प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है। सेकंड आइकन वायरलेस सेटिंग का है, ठीक है। अगर यूएसबी वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करके आप सर्च एक्सेस पॉइंटर करेंगे तो अवेलेबल जो वायरलेस नेटवर्क हैं वो ये शो कर देगा। थर्ड, ब्लूटूथ सपोर्टेड, आप इसमें यूएसबी टाइप ब्लूटूथ डिवाइस लगा के जो ब्लूटूथ के थ्रू भी आप इसको किसी भी स्पीकर के थ्रू, ये चीज़ के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, 3G सेटअप है, 3G डोंगल डिवाइस यूज़ करके आप इंटरनेट सर्विस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो VPN सेटअप है, और बिल्कुल जो लास्ट आइकन है आप USB प्लग इन करके इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं या कोई भी जो मीडिया वगैरह आप उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। तो एनी हाउ ये कुछ इसके बेसिक फीचर थे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।